आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ टुडे और मैं हूं रमन सैनी। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ता हुआ टूरिज्म के चलते जम्मू एयरपोर्ट पर जगह कम होने का दबाव अब साफ नज़र आता है, क्योंकि जम्मू एयरपोर्ट पर अब जिस तरीके से फ़्लाइट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए जम्मू एयरपोर्ट पर यात्रियों के बैठने की जगह कम पड़ती जा रही है। और इसीलिए जम्मू कश्मीर की सरकार और केंद्रीय सरकार ने मिलकर अब जम्मू में एक नया एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया है और इसके लिए करीबन 900 कनाल ज़मीन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे भी दी गई है, उसे एक्वायर भी कर लिया गया है और अब बहुत जल्द जम्मू को अपना एक नया एयरपोर्ट मिल सकता है। और ये एयरपोर्ट जो होगा वो एग्जिस्टिंग रनवे के साथ लगता ही एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जो बेली चराना का इलाका है। हम इस समय उसी साइट पर मौजूद हैं जहां पर ये एयरपोर्ट बनाया जाएगा और ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो ये इस समय काम जो है वो चल रहा है एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल तैयार करने को लेकर। और ये बाउंड्री वॉल एक बार तैयार हो जाएगी तो उसके बाद ये जो पेड़ आप देख रहे हैं इस पूरे एरिया में करीबन जो 900 कनाल ज़मीन है इसमें जो पेड़ लगे हैं, फॉरेस्ट की क्लियरेंस के बाद इन पेड़ों की कटाई छटाई की जाएगी, साफ़ किया जाएगा और उसके बाद शुरू होगा एयरपोर्ट के निर्माण का काम। तो माना यह जा रहा है कि 2026 तक ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हो सकता है। हालांकि अभी इसका फाइनल DPR सामने नहीं आया है क्योंकि अभी सिर्फ बाउंड्री वॉल का क्रिएशन का काम जो है वो चल रहा है और एक बार बाउंड्री वॉल क्लियर हो जाएगी जो लैंड होगी वो एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्वायर कर लेगी और उसके बाद अंदर जो एयरपोर्ट के बनाने का काम होगा वो शुरू किया जाएगा। और ये एयरपोर्ट भी अपने आप में एक ख़ास डिज़ाइन के माध्यम से तैयार किया जाएगा। ये एयरपोर्ट जो है पहले एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट होंगे वो इस एयरपोर्ट में सम्मिलित हो पाएंगे, इसके अंदर बैठने की जगह होगी और तमाम तरह की वर्ल्ड क्लास सुविधाएँ जो हैं वो इस एयरपोर्ट के अंदर होंगी। और यहाँ पर इस एयरपोर्ट से जो लोग उड़ान भरेंगे देश के अलग अलग कोने में, हालांकि उन्हें उसी एग्जिस्टिंग एयरफोर्स का जो रनवे है उसी रनवे का इस्तेमाल करना होगा, कोई नया रनवे इसके लिए नहीं बनाया जा रहा है, रनवे वही होगा। लेकिन एयरपोर्ट जो है वो वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट जो है वो जम्मू के अंदर बनने का काम जो है बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। जो बात हुई है मेरी डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी से, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक बार ये सफाई यहाँ का काम हो जाए, बाउंड्री वॉल तैयार हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पर अंदर का काम जो है बिल्डिंग बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा और इसमें करीबन 3 से 4 साल का वक्त जो है वो लग सकता है। इसलिए 2026 तक का समय जो है वो अभी टेंटेटिवली दिया गया है, हालांकि ये समय बढ़ भी सकता है आने वाले दिनों में क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होगा और उसे डिलीवर करना एक अपने आप में चुनौती होगी। और हाँ, जम्मू एयरपोर्ट अभी जो एग्जिस्टिंग हमारा एयरपोर्ट है जहाँ अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं, इसका टोटल एरिया 14,500 स्क्वायर मीटर है जो कि अभी कैपेसिटी सेचुरेशन पॉइंट पे आ गई है। जितनी मैंने आपको पैसेंजर बताया, अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख पैसेंजर हम हैंडल कर रहे हैं मंथली, उसके लिए अभी कैपेसिटी सेचुरेशन होनी शुरू हो गई है। इसलिए तुरंत प्रभाव से ज़रूरत है कि नया एयरपोर्ट का निर्माण शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। उसके लिए JNKUT गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बड़ी तेज़ी से इसको ज़मीन को आइडेंटिफाई करके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को फ्री ऑफ कॉस्ट ज़मीन मुहैया करवाई है जो कि 974 केनाल है जो बेली चलाना साइड में तवी रिवर की तरफ बढ़ती है। रनवे सेम रहेगा, जो रनवे अभी है रनवे वही रहने वाला है, तो वो ज़मीन ऑलरेडी उस पर बाउंड्री वॉल का कार्य हमारा चालू है और कुछ एनिमल हजबेंड्री के स्ट्रक्चर्स उसमें बीच में हैं जिसको अभी प्रशासन की मदद से वो भी शीघ्रातिशीघ्र हटने की उम्मीद है, वो हटती टेंडर प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और जो नया एयरपोर्ट बेली चलाना पे बनेगा वो लगभग 3 से 3.5 गुना इससे ज़्यादा बड़ा बनने वाला है जो कि अगले 10 से 15 साल जम्मू एयरपोर्ट वासियों को कैटर करेगा कंफर्टेबली, सारी नई सुविधाएँ और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ नया एयरपोर्ट बनेगा। दूसरा टर्मिनल जो बेली चलाना साइड में बनाएंगे वो एक सेपरेट टर्मिनल होगा, सेपरेट एयरपोर्ट रहेगा, ऑपरेशनल एरिया एंड रनवे जो एयरफोर्स वाला है वही रहने वाला है, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली इससे 4 गुना 3.5 4 गुना वो बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। जिस तरीके से ये एयरपोर्ट अब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और ख़ासतौर पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आने वाले जो श्रद्धालु हैं उन श्रद्धालुओं के लिए एक सपना होगा, क्योंकि इस बहुत ज़्यादा जिस तरीके से एयर ट्रैफिक अब बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास समय की कमी है और लोग निश्चित रूप में कहीं ना कहीं सुबह अपने जगह से
फ़्लाइट लेकर, अपने अपने इलाकों से फ़्लाइट लेकर वो जम्मू आकर और शाम को दोबारा यहाँ से अपने जो डेस्टिनेशन होगी वहाँ पर वापस जाना चाहेंगे, जो अपना उनका घर होगा वहाँ तक पहुँचना चाहेंगे। और ऐसे में इस एयरपोर्ट पर जो लोड है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, इसीलिए अब ये नया एयरपोर्ट बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। मैं आपको यहाँ से बता दूँ कि जो रनवे है, ये आप पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ के बैक साइड में ही ये पूरा रनवे जो है वो वहाँ से पड़ता है, जहाँ से आपकी सारी एयर ट्रैफिक जो है वो जिसकी मूवमेंट होती है। और ये पूरा जंगल जो आप देख रहे हैं ये फॉरेस्ट के अधीन आता है, और अब इससे फॉरेस्ट की क्लियरेंस लेने के बाद इस जगह को साफ़ सफाई किया जाएगा और पूरी तरीके से इस एयरपोर्ट को बनाने का काम जो है वो शुरुआत हो जाएगी। तो निश्चित रूप में एक सपना था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए, ये सपना अब आने वाले 3-4 सालों में बहुत जल्द जो है वो पूरा होने की उम्मीद जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि अब काम शुरू हो चुका है। बाउंड्री वॉल का काम जो है वो लगभग कम्प्लीट होने को है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे कि जो दीवार की कंस्ट्रक्शन है और दीवार के ऊपर जो एंगल लगाए गए हैं जिसमें कंसल्टीना वायर जो हैं वो लगाई जाएंगी, ताकि कोई भी व्यक्ति दीवार को फांद कर एयरपोर्ट के अंदर न घुस पाए। तो लगातार दिन रात काम जो है वो यहां पर चलाया जा रहा है, और बहुत उम्मीद यही जताई जा रही है कि बहुत जल्द ये जो एयरपोर्ट का निर्माण का काम है उसकी शुरुआत हो जाएगी। और एक बार काम शुरुआत हो जाएगी फिर उसे पूरा करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि अभी सिर्फ इंतज़ार इस बात को लेकर है कि कब ये पूरी लैंड जो है वो इसकी चार दीवारी हो जाए और अंदर की जो पेड़ों की कटाई है वो पूरी हो जाए, पूरा इलाका समतल कर दिया जाए और उसके बाद निर्माण काम की शुरुआत हो जाएगी। तो 2024 तक ये काम की शुरुआत होने की उम्मीद है, और 2024 में अगर ये तय समय के अनुसार काम की शुरुआत हो जाती है तो फिर आने वाले 1-2 साल के अंदर ये पूरा निर्माण कार्य भी एयरपोर्ट का पूरा हो जाएगा, जिसके बाद जम्मू पहुँचने वाले सभी यात्री, चाहे वो माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु हों, चाहे वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु हों, उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर मिलेंगी। और पूरी तरीके से ये एयरपोर्ट जब बनकर तैयार हो जाएगा तो अपने आप में एक नया ही एक नज़ारा जो है वो लोगों को देखने को मिलेगा इस इलाके के अंदर, और इस बेली चराने के इलाके के आसपास का भी डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पर एयरपोर्ट्स बने हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला है, सड़कें चौड़ी हुई हैं, वहाँ पर बिजली की सप्लाई जो है वो निरंतरण हुई है। तो ये एयरपोर्ट जम्मू के लोगों के लिए तो सपना था ही था, लेकिन जो आमतौर पर टूरिस्ट यहाँ पर दर्शन करने के लिए, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनको भी कई तरह की परेशानियों का सामना इस समय एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट के में यात्रा के दौरान करना पड़ता था, और उसी परेशानियों को दूर करने के लिए अब ये फैसला जो है वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार ने लिया है। राज्य सरकार ने ज़मीन जो है वो स्थानांतरित की है एयरपोर्ट सिविल एविटेशन को, और सिविल एविटेशन मंत्रालय जो है अब इस काम को आगे बढ़ा रहा है। चार दीवारी का काम शुरू हो चुका है, लगभग कम्प्लीट होने वाला है, और इसके बाद पेड़ों की कटाई करने के बाद यहाँ पर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जो है बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, और 2026 तक ये पूरा निर्माण कार्य जो है उसे कम्प्लीट करने का, हालाँकि अभी डेडलाइन दिया गया है, लेकिन फाइनल डेडलाइन तब आएगी जब एक बार इसका DPR फाइनल हो जाएगा, और एक बार जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा, एयरपोर्ट का निर्माण खत्म हो जाएगा, तो देश विदेश से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले श्रद्धालु और बाबा अमरनाथ के दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु हैं उन्हें एक नया अनुभव जो है वो यहाँ पर एयर ट्रैफिक के माध्यम से जो यात्रा करने वाले लोग होंगे उनको एक नया अनुभव मिलेगा, और वो लोग कहीं ना कहीं एक आरामदायक यात्रा के माहौल में अपनी यात्रा को संपन्न कर पाएंगे। कैमरा पर्सन शिवम के साथ रमन सैनी, JK News Today, जम्मू।